नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट फिफ्थ, एल प्लस एम होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम होल स्क्वायर। अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर, देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए की जगह क्या आ रहा है एल प्लस एम और बी की जगह क्या आ रहा है एल माइनस एम। भाई चेक करो, एल प्लस एम का स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का स्क्वायर, ठीक। तो यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे आइए बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले हमने आइडेंटिटी लिखी क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर हमने अपना क्वेश्चन कॉपी किया, क्या है क्वेश्चन, एल प्लस एम होल स्क्वायर माइनस के नीचे माइनस एल माइनस एम होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब आंसर क्या आएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करो। यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर ए लिखा हुआ है, मैं जानबूझ के इस ए को ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, आप चाहे ए स्क्वायर लिखो, चाहे आप ब्रैकेट लगा के फिर स्क्वायर लगाओ, बात क्या ऐसे में, ठीक। आप चाहे बी स्क्वायर लिखो, चाहे बी को ब्रैकेट में लिख के फिर स्क्वायर लगाओ, बात क्या ऐसे में, ब्रैकेट लगा के आपको फीलिंग अच्छी आती है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ए का स्क्वायर है तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर ए लिखा है आइडेंटिटी में, है ना, और यहां ब्रैकेट के अंदर l प्लस एम लिखा है, यानी कि a की वैल्यू क्या है l प्लस एम, करेक्ट। सो a इज इक्वल्स टू l प्लस एम है, ध्यान देंगे, हियर a इज इक्वल्स टू l प्लस एम, ब्रैकेट में रखिए, और b की वैल्यू l माइनस एम है, देख लीजिए ब्रैकेट के अंदर b लिखा है, यहां ब्रैकेट के अंदर l माइनस एम, सो b इज इक्वल्स टू व्हाट l माइनस एम, करेक्ट। यस तो बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, तो ध्यान दें, अच्छा कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, क्यों बताते हैं आपको। ए की जगह आप क्या कॉपी करोगे, एल प्लस एम, सो ए की जगह हमने कॉपी किया एल प्लस एम, ब्रैकेट लगा लो, ये वाला माइनस यहां पे कॉपी कर दो, बी की जगह आप क्या लिखोगे एल माइनस एम, लेकिन ध्यान रहे बच्चों बी की वैल्यू जब भी लिखें ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि आगे माइनस है ना, ये माइनस है ना, आप डायरेक्ट एल माइनस एम यहां ऐसे नहीं लिख सकते हो, नो रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि बच्चों बाहर माइनस है, वो माइनस क्या करेगा अंदर के साइन चेंज कर देगा, एल का एल कैसा है पॉजिटिव, वो नेगेटिव हो जाएगा, एम नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन मिले तो बी की वैल्यू को आप कभी भी डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, बी की वैल्यू हमेशा आप ब्रैकेट में लिखोगे, ए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन लगाने को लगा लेते हैं, ठीक। माइनस बी को आप हमेशा ब्रैकेट में लिखोगे, तो बी की वैल्यू क्या है L माइनस एम, तो हमें L माइनस एम लिखना है लेकिन हमें ब्रैकेट लगाना है, और उसके बाद ये देखो ये वाला ब्रैकेट यहां से ओपन था तो हमने यहां कर्ली ब्रेसेस लगाए, यहां से क्लोज, ये यहां से क्लोज, A की जगह L प्लस एम माइनस कॉपी कर लिया, B की जगह L माइनस एम, करेक्ट। अब यहां पर क्या है A प्लस बी, थोड़ा सा बच्चों जगह मुझे चाहिए होगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, A की जगह क्या था L प्लस एम और B की जगह क्या था L माइनस एम, ठीक। सो ए की जगह एल प्लस एम माइनस कॉपी किया, बी की जगह एल माइनस एम, अब ये वाला ब्रैकेट देखो क्या है ए प्लस बी है, तो हमने एक और कर्ली ब्रेसेस लगाया, ए की जगह एल प्लस एम और प्लस बी की जगह हम क्या रखेंगे एल माइनस एम, और ब्रैकेट में हमेशा रखा करिए बी को, हालांकि बाहर प्लस है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी ये हो गया, ठीक। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, कैसे देखिए बच्चों, ये देखो यहाँ पे कोई प्लस माइनस है नहीं आगे, तो ये वाला ब्रैकेट हटा दो, ये ओपन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा L प्लस एम। अब ये वाले माइनस से जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, L के आगे कुछ नहीं, यानी कि प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस L, ओके, यानी कि L का साइन चेंज हो जाएगा, L पहले अंदर पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया, M नेगेटिव था, ये माइनस अंदर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और M को कॉपी करेंगे, ठीक। ये हो गया, कुछ नहीं किया, ये वाला माइनस से ये वाला ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, सीधे शब्दों में बोले तो माइनस से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, एल पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो जाएगा, एम पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब बच्चों यहां पे कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, अब हम नॉर्मल ब्रैकेट यहां पे लगा सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि अंदर कोई ब्रैकेट अब नहीं बचा है, इसको इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया, इसको भी कर लिया, ठीक। अब यहां पे देखो जरा, अब नॉर्मल ब्रैकेट लगा के एल प्लस एम लिखेंगे, ये ब्रैकेट हटा देंगे, है ना, ये वाला जो प्लस है इसको कॉपी किया। अब देखो बच्चों प्लस जब भी होता है बाहर तो अंदर कोई साइन चेंज नहीं होते, आप चेक कर लो, यहाँ प्लस है प्लस 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 एल, और यहाँ माइनस है प्लस माइनस क्या होता है माइनस एम, तो अगर बाहर प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको एज इट इज लिख दो, एल को एल और माइनस एम को माइनस एम, यहाँ ब्रैकेट,
ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये एल देखिए नेगेटिव है, ये एल कैसा है, कोई साइन नहीं है एल के आगे, मतलब पॉजिटिव है। सो प्लस एल माइनस एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और आपके पास क्या बचेगा, यहां बचेगा एम और प्लस एम, फिर इन टू दूसरे ब्रैकेट में देखो माइनस एम प्लस एम कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा एल और प्लस एल, ओके ठीक। नाउ अब देखिए m प्लस एम क्या होता है, 2m, ध्यान दें m प्लस एम हो गया 2m और दूसरे ब्रैकेट में l प्लस एल 2l, ये किसको नहीं पता बच्चों, जैसे x प्लस एक्स 2x होता है वैसे m प्लस एम 2m हो जाएगा, जैसे x प्लस एक्स 2x होता है वैसे l प्लस एल बाई 2 टाइम्स l, l प्लस एल 2 टाइम्स l। अब देखो ये वाले और ये वाले ब्रैकेट के बीच कुछ नहीं लगाता, यानी कि मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई है, यानी कि 2m इंटू 2l, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है 2 इंटू एम इंटू 2 इंटू एल, यही तो मतलब है ठीक, सब कुछ मल्टीप्लाई में। सो 2 2 जा हो जाएगा 4, एम इंटू एल होगा एम एल, ये लीजिए क्या दिक्कत है, यहां से भी डायरेक्टली कर सकते थे, 2 2 जा हो गया 4 और एम इंटू एल हो गया एम एल, सो योर आंसर इज वॉट 4 एम एल, ओके स्टूडेंट। सो इसका जो फैक्टर है, इसका जो फैक्टर फॉर्म है वो क्या है, 4 एम एल है, ओके okay?